नमस्ते और हमारे चैनल पे वेलकम। आज हम मिलिट्री एयरक्राफ्ट की दुनिया देखेंगे और दुनिया के 10 सबसे जबरदस्त अटैक हेलीकॉप्टरों के बारे में जानेंगे। ये कमाल की मशीन्स आजकल के हवाई युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी स्पीड, ताकत और नई टेक्नोलॉजी इन्हें आसमान का बादशाह बनाती है। हर हेलीकॉप्टर का अपना अलग डिजाइन, कैपेबिलिटी और युद्ध में योगदान है। चलो इन उड़ते हुए शिकारियों की दुनिया एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज इन्हें इतना पावरफुल बनाती है। AH-64 अपाचे, इसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो अपनी ताकत और क्षमता के लिए जाना जाता है। ये सालों से मिलिट्री पावर का सिंबल रहा है और इसकी उपस्थिति ही दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा कर देती है। 1986 में पहली बार यूज हुआ और तब से यह हर प्रमुख युद्ध में अपनी छाप छोड़ चुका है। ये अमेरिकन ट्विन इंजन वाला जानवर बहुत फेमस हो गया और युद्ध के मैदान को बदल दिया। इसकी गति और शक्ति ने इसे युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। अपाचे को इसकी जबरदस्त मारक क्षमता के लिए बनाया गया था और इसमें 16 हेलफायर मिसाइल्स हैं, जो टैंक से लेकर दुश्मन के अड्डों तक कुछ भी तबाह कर सकती है। इसकी मिसाइलें इतनी सटीक है कि ये किसी भी लक्ष्य को आसानी से भेद सकती है। लेकिन ये सिर्फ पावर की बात नहीं है, अपाचे की तकनीकी क्षमताएं भी इसे अद्वितीय बनाती हैं। इसमें एडवांस सेंसर्स हैं, जो इसे किसी भी स्थिति में ऑपरेट करने में सक्षम बनाते हैं। नाक पे एक सेंसर सूट भी है, जो पायलट को हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले पे थर्मल और टेलीविजन इमेजेस दिखाता है। इससे ये दिन हो या रात कभी भी अटैक कर सकता है। इसकी नाइट विजन कैपेबिलिटीज इसे रात में भी उतना ही खतरनाक बनाती है जितना दिन में। इसके मजबूत कवच और मूवमेंट इसे युद्ध में बचाए रखते हैं और इसकी मैन्यूवरेबिलिटी इसे किसी भी स्थिति में अडैप्ट करने में सक्षम बनाती है। इसलिए ये दुनिया भर की सेनाओं का फेवरेट है। इसकी वर्सेटिलिटी और रिलायबिलिटी ने इसे एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया है। चाहे वो अमेरिका हो या कोई और देश, अपाचे हर जगह अपनी पहचान बना चुका है। ये सच में आसमान का निर्विवाद राजा है। शीत युद्ध के समय बना MiG-28, जिसे नाटो हैवोक भी कहते हैं, रशियन मिलिट्री का कमाल दिखाता है। यह हेलीकॉप्टर अपनी ताकत और तकनीक के लिए जाना जाता है। यह जबरदस्त अटैक हेलीकॉप्टर AH-64 अपाचे के जवाब में बनाया गया था और इसे विशेष रूप से दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें पावर और टेक्नोलॉजी दोनों है, जो इसे एक अत्याधुनिक युद्धक मशीन बनाते हैं। हैवॉक की मारक क्षमता भी कमाल की है। इसमें 16 एंटी टैंक मिसाइल्स, रॉकेट्स और एक 30 मिमी की तोप है। ये हथियार इसे किसी भी युद्ध के मैदान में अजेय बनाते हैं। लेकिन हैवॉक की सबसे खास बात इसकी मजबूती है। इसका डिजाइन इसे कठिन परिस्थितियों में भी काम करने के लिए सक्षम बनाता है। मुश्किल हालात में काम करने के लिए बनाया गया ये हेलीकॉप्टर बहुत ड्यूरेबल है, जो युद्ध में बहुत जरूरी है। इसकी ड्यूरेबिलिटी इसे लंबे समय तक सेवा में बनाए रखती है। युद्ध के दौरान इसकी मजबूती और मारक क्षमता इसे एक महत्वपूर्ण हथियार बनाती है। इसकी कॉकपिट एक बख्तरबंद कैप्सूल में है, जो पायलट्स को दुश्मन की गोलीबारी से बचाता है, और इसके ब्लेड्स छोटे हथियारों की आग से भी बच सकते हैं। ये विशेषताएं इसे और भी अधिक प्रभावी बनाती हैं। ये मजबूती और मारक क्षमता MiG-28 को दुनिया के किसी भी युद्ध के मैदान में खतरनाक बनाती है। यह हेलीकॉप्टर न केवल दुश्मन के टैंकों को नष्ट कर सकता है, बल्कि अपने पायलट्स को भी सुरक्षित रखता है। MiG-28 हॉक, रूसी शक्ति का प्रतीक, युद्ध के मैदान में एक अद्वितीय और अजेय योद्धा है। कामोव डिजाइन ब्यूरो का बनाया हुआ K-52 एलिगेटर एक ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है, जो अपने यूनिक कोएक्सियल रोटर डिजाइन से अलग दिखता है। इस हेलीकॉप्टर का डिजाइन इसे न केवल देखने में आकर्षक बनाता है, बल्कि इसे युद्ध के मैदान में भी बेहद प्रभावी बनाता है। इसमें दो मेन रोटर्स एक ही एक्सिस पे ऑपोजिट डायरेक्शंस में घूमते हैं, जिससे यह हेलीकॉप्टर को अद्वितीय स्थिरता और मैन्यूवरेबिलिटी प्रदान करता है। ये एलिगेटर को कमाल की मूवमेंट और स्टेबिलिटी देता है, चाहे वह हवा में स्थिर रहना हो या तेजी से दिशा बदलनी हो। K-52 हर स्थिति में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। दूसरे हेलीकॉप्टरों से अलग, एलिगेटर हवा में रुक सकता है और यह क्षमता इसे युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण लाभ देती है। जल्दी से डायरेक्शन बदल सकता है और यह इसे दुश्मन के हमलों से बचने में मदद करता है और ऐसे मूवमेंट्स कर सकता है जो दूसरे हेलीकॉप्टर नहीं कर सकते। यह इसे एक असाधारण युद्ध मशीन बनाता है। लेकिन एलिगेटर सिर्फ मूवमेंट में ही स्पेशल नहीं है, यह अपने हथियारों के जखीरे के लिए भी जाना जाता है।
ये एक उड़ता हुआ हथियारों का जखीरा भी है। इसमें एंटी टैंक मिसाइल्स, रॉकेट पॉड्स और अन्य घातक हथियार शामिल है, और एक 30 मिमी की तोप है जो किसी भी टारगेट पे अटैक कर सकती है। यह इसे एक बहुमुखी और शक्तिशाली अटैक हेलीकॉप्टर बनाता है। इसकी कॉकपिट में 2 पायलट एक साथ बैठ सकते हैं, जिससे उन्हें युद्ध के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है और वे बेहतर समन्वय कर सकते हैं, और मिशन ज्यादा सक्सेसफुल होता है। यह हेलीकॉप्टर अपने एडवांस्ड कैपेबिलिटीज के साथ युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपनी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज के साथ K-52 एलिगेटर रशियन सेना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह आधुनिक युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है और आजकल के युद्ध के लिए तैयार है। यह हेलीकॉप्टर न केवल रशियन सेना की ताकत को बढ़ाता है, बल्कि इसे एक अजेय युद्ध मशीन भी बनाता है। यूरोकॉप्टर टाइगर, जिसे टाइगर भी कहते हैं, एक मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है जो फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर बनाया है। 1990 के दशक में इसे डिजाइन किया गया था। टाइगर को नए जमाने के युद्ध के हिसाब से बनाया गया था। अपने स्टाइलिश लुक और जबरदस्त कैपेबिलिटीज के साथ टाइगर जल्दी ही फेमस हो गया। इस हेलीकॉप्टर की मूवमेंट बहुत अच्छी है। इसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स हैं और ये कई तरह के हथियार ले जा सकता है। टाइगर का मेन हथियार टाइगर मिसाइल है, जो लेजर गाइडेड है और टैंक्स और दूसरे बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने के लिए बनाई गई है। AH-1 कोबरा का सक्सेसर बेल AH-1Z वाइपर एक अटैक हेलीकॉप्टर है, जो अपने पुराने वर्जन की लेगेसी को आगे बढ़ाता है और नए जमाने की टेक्नोलॉजीज भी यूज करता है। वाइपर, जिसे झुलू कोबरा भी कहते हैं, 2011 में यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स में शामिल हुआ और आजकल के युद्ध के मैदान में अपनी जगह बना रहा है। वाइपर की खास बात इसका कंपोजिट रोटर सिस्टम है, जिसमें 4 ब्लेड्स वाले रोटर्स हैं, जो इसे ड्यूरेबल बनाते हैं, वाइब्रेशन कम करते हैं और बेहतर उड़ान परफॉर्मेंस देते हैं। ये एडवांस्ड रोटर डिजाइन वाइपर को 185 मील प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड तक पहुंचने और अच्छी मूवमेंट दिखाने में मदद करता है। Z-10, जिसे वुजिकिंग पावरफुल भी कहते हैं, चीन का पहला खुद का बनाया हुआ अटैक हेलीकॉप्टर है। 2000 के दशक में डिजाइन और बनाया गया Z-10 चीन की बढ़ती हुई मिलिट्री पावर दिखाता है। ये ट्विन इंजन अटैक हेलीकॉप्टर खास तौर पे चीनी सेना के लिए बनाया गया था। इसका काम दुश्मन के टैंक्स, बंकर्स और दूसरे इंपॉर्टेंट टारगेट्स को तबाह करना है। Z-10 की खास बात इसकी टैंडम कॉकपिट है, जिसमें गनर पायलट के सामने बैठता है, जिससे विजिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है। हेलीकॉप्टर में एडवांस्ड एवियोनिक्स और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं। नाक पे एक साइट सिस्टम भी है, जो टारगेटिंग, नेविगेशन और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए है। TA अगुस्टा वेस्टलैंड T-129-88 एक ट्विन इंजन अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसे तुर्की की डिफेंस जरूरतों के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है। इटालियन हेलीकॉप्टर कंपनी अगुस्टा वेस्टलैंड के A-129 मैंगस्टा पर बेस्ड T-129-88 में अच्छी मारक क्षमता, एडवांस्ड एवियोनिक्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। ये हेलीकॉप्टर तुर्की एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज TAI ने तुर्की लैंड फोर्सेस कमांड के साथ मिलकर बनाया है। T-129-80K की क्लाइंबिंग स्पीड अच्छी है, मूवमेंट अच्छी है और ये अलग अलग ऊंचाई और तापमान पर काम कर सकता है, इसलिए ये मुश्किल हालात के लिए परफेक्ट है। डेनेल AH-2 रुईवल्क, जिसका मतलब अफ्रीकी में रेड काइट है, साउथ अफ्रीका में बना एक अटैक हेलीकॉप्टर है। ये अपनी तरह का पहला हेलीकॉप्टर है, जो पूरा अफ्रीका में डिजाइन और बनाया गया है, जो अफ्रीका की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी दिखाता है। रुईवल्क को अफ्रीका के मुश्किल हालात के लिए बनाया गया है, जैसे ज्यादा तापमान, ऊबड़ खाबड़ जगह और दूसरे खतरे। इसकी एक यूनिक चीज इसकी टैंडम कॉकपिट है, जहां पायलट गनर के ऊपर बैठता है, जिससे विजिबिलिटी अच्छी होती है, खास तौर पे जमीन के पास उड़ान भरते समय। HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बनाया है। ये मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है। ये खास तौर पे इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है। इसका काम दुश्मन के टैंक्स, बंकर्स और दूसरे इंपॉर्टेंट टारगेट्स को तबाह करना है। LCH मुश्किल जगहों पे, ऊंचे पहाड़ों पे भी काम कर सकता है, इसलिए ये हिमालय में इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपनी एजिलिटी,
मारक क्षमता और एडवांस्ड एवियोनिक्स के लिए जाना जाता है। अगस्ता A-129 मंगुस्टा एक ट्विन इंजन अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसे इटली में अगस्ता अब लियोनार्डो ने बनाया है। ये पहला अटैक हेलीकॉप्टर था जो पूरा वेस्टर्न यूरोप में डिजाइन और बनाया गया था, और ये अपनी स्पीड, एजिलिटी और मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। मंगुस्ता को पहले टैंक्स के खिलाफ बनाया गया था, लेकिन अब इसे रिकनेसेंस, एस्कॉर्ट और फायर सपोर्ट जैसे कामों के लिए भी अपग्रेड किया गया है। ये कई तरह के हथियार ले जा सकता है, जैसे हेलफायर मिसाइल, हाइड्रा रॉकेट और एक 20 मिमी की तोप। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे एडवांस्ड और जबरदस्त अटैक हेलीकॉप्टर। हर हेलीकॉप्टर मॉडर्न इंजीनियरिंग का कमाल है। इनमें स्पीड, पावर और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का अनोखा मेल है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, ये उड़ते हुए योद्धा और भी जबरदस्त होते जाएंगे और युद्ध के मैदान में इनकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ेगी। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मिलिट्री टेक्नोलॉजी और एविएशन के और वीडियोस मिलते रहे। कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा अटैक हेलीकॉप्टर सबसे अच्छा लगा और क्यों। अगले वीडियो में मिलते हैं।